अस्सलाम वालेकुम, मैं शबशब खुश आमदनी बात करेंगे कलंक के मेगा एपिसोड के एपिसोड नंबर 30 और 31 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा मुझसे कहते हैं तुम्हारे यहाँ के जो हाथ चोटी है वो, और वहीं पे शाहरुख बार बार फोन करके दुनिया को तंग करता है, और जहीं जब उसे डांटते हैं तो वहाँ पर दानियाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं वो आज का उसकी माँ कहती है तुम कामयाब हो गई हो, वहीं वो सारे की वजह से उसे फैसिलिटी पिक एंड ड्रॉप के सारे कस्टमर्स को दे देता है अपने कोलिग्स को, और वहीं पर वो बार बार उसकी बातें करती है तो कहती है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। जो सिर्फ शादी के बाद जब सरफराज से करती तो वो मना कर देती है। वहीं पे वो उसकी माँ से देख लेती है जाते हुए, वहीं वो उसका साथ देती है शाहरुख से, वो कहती है कि मुझे जाना है, मैं तुम्हारा फ़ोन उठा लूँगी। वहीं वो आज इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उसे मना करती है कि अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरी वजह से मत गवाओ। सरफराज को वहाँ देखे उसे काफ़ी गुस्सा आता है, आने वाले एपिसोड में देखने वो सरफराज उसे कहता है सब ठीक हो सकता है, वो कहता है नहीं। वहीं प्रेजेंटेशन की बात होती है, दानियाल को कहती है अगर प्रेजेंटेशन की बात है तो मैं ये सब कुछ कर लूँगी, आप परेशान मत हो। तो कहता है क्या तुम ये सब कुछ कर लोगी। अब दूसरी तरफ उसकी माँ जाकर बताती है कि किस तरह तुम्हारी बेटी किसी के साथ बैठ के गई, तो वहाँ पे वो जब उसे पूछते हैं वो कहती है मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी, आपको पता है। वहीं जब उसे अकेले में कहती है तो कहती है उसकी सांस ये बातें सुन लेती है, और वहाँ उसको कोई मैसेज आता है वो सुनकर काफ़ी गुस्से में होता है। आप देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या दुनिया का सच आएगा अब सबके सामने, क्या होगा जब वहाँ को पता चलेगा दुनिया की हकीकत के बारे में। आप अपनी हकमेंट के जरिए जुड़ दीजिएगा।